हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाज और आप देख रहे हैं आप सभी का अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल वांटेड गाइज। गाइज ऑनर लेके आ चुका है इंडिया में अपना एक गेमिंग फ्लैगशिप कैटेगरी का मोबाइल फ़ोन जिसका नाम है ऑनर प्ले। तो जहां पे आपको मिलता है ऑनर की तरफ से आने वाला फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर की 970, तो बहुत ही कमाल का फ़ोन होने वाला है गाइज। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं बात करने वाला हूँ आपसे इसी ऑनर प्ले स्मार्टफोन के बारे में, करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग, बताने वाला हूँ आपके आपको इस फोन के मेन हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन, साथ में आप सभी के लिए सरप्राइज है वीडियो के बीच में। तो गाइज आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आप वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको यहाँ पे पूरी पूरी डिटेल देने वाला हूँ इसी मोबाइल फोन के बारे में। यहाँ पे कमाल का कॉम्पिटिशन क्रिएट कर दिया है गाइज इस मोबाइल फोन ने, यहाँ पे 1+6 के लिए जो कि 34,000 रुपीज में आता है स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट के साथ, जो कि एक फ्लैगशिप कैटेगरी का चिपसेट है। मगर ऑनर यहाँ पे ऑनर प्ले में अभी दे रहा है 21,000 रुपये में आपको किरी 970 का चिपसेट, जो कि 845 के मुकाबले तो पावरफुल नहीं है, मगर उनकी तरफ से आने वाला फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर जो कि आपको P20 में मिलता है करीबन 60,000 में। तो गाइज आज आप वीडियो को देखते रहिए, मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इसी स्मार्टफोन की और आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ अपने कुछ ओपिनियंस। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए गाइज अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है हमारा बॉक्स, लिखा है ऑनर प्ले, वाइट कलर का बॉक्स है, ब्लू कलर में लिखा है ऑनर प्ले। तो यहाँ पे कुछ साइड में भी ऑनर प्ले की ब्रांडिंग है और पीछे यहाँ पे प्राइसिंग लिखी हुई है इस मोबाइल फ़ोन की साइड में ऑनर प्ले, और ज़्यादा डिटेलिंग तो है नहीं बॉक्स में। करते हैं इसको ओपन और यहाँ पे सबसे पहले हमें ऊपर मिल जाता है हमारा मेन फ़ोन ऑनर प्ले। तो ये रहा हमारा ऑनर प्ले मोबाइल फ़ोन। तो निकालते हैं रैप से बाहर और देखते हैं कैसा है फ़ोन। कमाल का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ड्यूल कैमरा के सेटअप के साथ, बहुत ही कमाल का है। करते हैं इसको एक बार फर्स्ट बूट और रख देते हैं साइड में, इतनी देर ये फर्स्ट बूट हो जाएगा और मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि क्या क्या बॉक्स में और कंटेंट देखने को मिलते हैं। रख देते हैं इसको सामने आपके लिए, नॉच आपको देखने को मिल जाती है गाइज यहाँ पे, इंटरेस्टिंग बात है। और नीचे ऑनर की ब्रांडिंग है छोटे से चिन्ह में, तो इसको रखते हैं फ्रंट में आपके सामने, इतनी देर ये फर्स्ट बूट हो जाता है। फटाफट से बॉक्स में देखते हैं और क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कुछ एक बॉक्स छोटा सा जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाते हैं, वारंटी कार्ड वगैरह, साथ में आपको मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक आई थिंक सिलिकॉन केस होगा नॉर्मल सा, जी हाँ गाइस सिलिकॉन केस है ट्रांसपेरेंट। और रखते हैं एक बार साइड में, यहाँ पे मिलता है हमें माइक्रो यूएसबी टाइप सी केबल होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ओके ओके लेट मी चेक, ओके दिस इज़ माइक्रो यूएसबी टाइप सी आपको केबल मिल जाता है। साथ में आपको मिलता है एक इसको भी कहते हैं पैक, और रखते हैं साइड में। साथ में मिलता है आपको पावर अडेप्टर जो कि 5V 2A का है, 9V 2A का भी है, 18W का चार्जर, तो क्विक चार्ज लिखा है, मगर ज़्यादा फास्ट तो आपके फ़ोन को ये चार्ज नहीं करेगा। तो बस कैसे यही है इस फ़ोन में, हेडफोन आपको नहीं मिलते। और ये हमारा मेन फ़ोन जो कि बूट हो चुका होगा मेरे ख्याल से, तो ये रहा इसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो ये रहा हमारा मेन फ़ोन ऑनर प्ले, नॉच आपको देखने को मिलती है, बहुत बहुत ही ज़्यादा कमाल का यहाँ पे लुक देखने को मिलता है। ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन है नीचे, बहुत ही पतला सा चिन्ह है, ऑनर की ब्रांडिंग है। तो करते हैं गाइस इसके स्पेसिफिकेशंस की बात, उससे पहले मैं आपको इसका फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ और साथ में कुछ हाईलाइटेड फीचर्स भी बता देता हूँ। तो चलिए, तो गाइस राइट साइड में आपको मिल जाता है एक पावर अनलॉक बटन, साथ में कुछ वॉल्यूम लॉकर की और के लिए। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाती है सिम ट्रे जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, आप इसमें दो सिम या फिर एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड यूज़ कर पाएंगे। ऊपर वाली साइड आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक माइक्रोफोन मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और नीचे बहुत ही बिजी साइड है जहाँ पे आपको एक स्पीकर मिल जाता है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, माइक्रोफोन मिल जाता है और 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है गाइज। तो बात करते हैं गाइज आप इसके मेन स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको सबसे पहले मिलता है डिस्प्ले 6.3 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 19:9 का एस्पेक्ट रेशो है। नीचे जो चिन्ह है बहुत बहुत ही पतली चिन्ह है और ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन है, ऑनर की ब्रांडिंग नीचे है, साथ में फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन है। नॉच आपको देखने को मिल जाती है जहाँ पे 16MP का कैमरा है और फेस अनलॉकिंग बहुत बहुत ही ज़्यादा फास्ट इसको देखने को मिल जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे मैकेनिज्म सिस्टम लगाए हैं नॉच में जो कि आपको फेस को रिकॉग्नाइज करके, आप सॉफ्टवेयर बेस्ड ही है, ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक नहीं है मगर सॉफ्टवेयर बेस्ड अच्छे से काम कर जाता है। बात कहते हैं गाइस इस फोन के डिस्प्ले, यहाँ पे आपको जो कलर प्रोवाइड करती है बहुत बहुत ही क्रिंची, मतलब कलर प्रोवाइड करती है, जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो नॉच इंटरफेयर नहीं करती, नॉच बिल्कुल हाइड हो जाती है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है जैसा कि आप देख सकते हैं। बात करते हैं गाइस
कैमरा की तो आपको रियर में मिलता है 16+2 मेगापिक्सल के दो कैमरे, 16+2 मतलब दो ही मेगापिक्सल का कैमरा, अगर 5, 8, 12 होता तो बढ़िया होता, मगर 2 मेगापिक्सल का है तो पोर्ट्रेट मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर कैमरे हैं और साथ में ब्रांडिंग भी की है AI कैमराज। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है नॉच में और यहाँ पे अच्छे सेल्फीज आपको देखने को मिल जाते हैं और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर कैमरा है जहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं गाइस इस फोन के स्टोरेज की, तो आपको 4 GB की रैम मिलती है, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज जिसको आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा करके एक्सपेंड कर पाएंगे, मगर उस केस में आप दूसरी सिम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है। और तो आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, तो आपको मिलता है फ्लैगशिप ग्रेड कीरिन का 970 चिपसेट जो कि प्राइसिंग 20-21 हज़ार में कमाल की बात है। साथ में आपको मैं गाइस बता दूं इस फोन में एक स्पेशल टेक्निक का यूज हुआ है यहाँ पे जिसको कहते हैं GPU टर्बो। जब आप गेमिंग के लिए इस फोन को यहाँ पे यूज करें, आप देख सकते हैं मैं गेमिंग के लिए इस फोन को यूज कर रहा हूँ, यार गेमिंग बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाती है जब आप GPU टर्बो यूज करते हैं, बैटरी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है आपका मोबाइल फोन, तो इसको यूज कीजिए आप, बहुत बहुत ही ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये GPU टर्बो स्पेशली प्ले फोन है, गेमिंग के लिए है, तो गेमिंग में आपको GPU टर्बो स्पेशल टेक्निक काम में आ जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं गाइस इस फोन के वर्जन की, तो एंड्रॉइड 8.1 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, सभी तरह के सेंसर्स मिल जाते हैं, बैक में आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर और बैटरी 3750 mAh की बैटरी है, USB टाइप सी से चार्ज हो जाएगी 5V 2A से। तो बस गाइस यही है हमारा ऑनर प्ले, तो सरप्राइज ये है कि मैं करने वाला हूँ इसका गिव वे, आपको गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए करें होंगे कुछ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक ही कमेंट कीजिए, दो करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो गाइज अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो फोन कमाल का है, प्राइसिंग 21,000 अमेजोन एक्सक्लूसिव होने वाला है और इसमें आपको 970 का चिपसेट मिलता है तो बढ़िया बात है। बाकी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये फोन परचेस करेंगे या फिर नहीं। तो बस गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली लेकर के आता रहता हूं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स वेरी मच गाइज।